सो गाइस यहाँ पर हमारे शुभ जो होते हैं ना बड़ी खुशी खुशी में चल जाते हैं। हम मॉम जो होती है उनकी इनवाइट करते हैं, शुभ शुभ जाती है, काउच पर बैठ जाते हैं। साइड में होती है हमारी इनाया मैम जी, मतलब कि हमारी भाभी जी। और जैसे ही इनाया बैठती है तो वो उसके हाथ में इतना बड़ा जो होता है फ्लावर होता है। तो यहाँ पर मॉम बोलती है बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। अब हमारी शुभ बोलती है इसकी तो ज़रूरत थी खास, अब क्या बताएं आपको माँ जी, है ना। मतलब कि जब आपके पार्टनर को देना चल रहा था ना तो हर एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है। यहाँ देखते हैं कि हमारे जो शुभ बोलते हैं नहीं ज़रूरत थी इसकी, वैसे बहुत बहुत प्यारे लगे मुझे। वैसे मैंने देखा कि मैम को बहुत ज़्यादा फ्लावर पसंद है ना, तो बोलते हाँ जी नहीं तो फ्लावर बहुत पसंद है। यहाँ देखते कुछ समय के बाद में ना यहाँ पर मतलब मॉम को ना कहीं बाहर जाना था, इसकी वजह से बोलते चलो ठीक है फिर बेटा आप भी चलो मैं भी चलती हूँ। यहाँ पर मेरे उनके फ्रेंड्स आने वाले थे, यहाँ देखते कि वो चल जाते और यहाँ पर हमारे मैम और शुभ चले अभी, मतलब इनाया जी हाँ जी चलो। इन लोग जो होते हैं ना हाथों में हाथ लिए चल जाते हैं बाहर में। बाहर शुभ ने अपनी गाड़ी जो होती है ना पार्किंग की होती है वहाँ से उठाती है, मैम के हाथ में भी फ्लावर होता है। यहाँ देखते कि हमारी शुभ बोलते अरे यार इसको यहाँ ही रख दो ना, क्या लेके घूमेंगे इसको। तो हमारी मैम बोली चलो ठीक है मैं भी रख के, तो ये जो होता है ना वो रख के रूम में आती है। यहाँ पर शुभ जो होती है ना पहले से वेट कर रही होती है। यहाँ मैम जैसी आती है मतलब इनाया जैसी आती है वैसे बैठ जाती है। उन लोग जो होते हैं ना चल जाते हैं अपने स्टूडियो में, और स्टूडियो में हमारे शुभ जो होते हैं पहले ही मैसेज कर रहे होते क्योंकि हमारी शुभ ने कुछ प्लानिंग की होती है, क्योंकि प्लानिंग तो मुझे भी नहीं पता थी। यहाँ देखते कि हमारी शुभ बोलती है अमू को यार मैं जस्ट कुछ ही समय में पहुँचने वाली हूँ। तो हमारी अमू बोलती है हाँ जी आ जा हम लोग रेडी है। यहाँ देखते कि हमारी शुभ जो होती है ना बड़ी एक्साइटेड होती है यार कि चलो भाई आज तो मज़े। और यहाँ हमारी इनाया को कुछ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, वो तो अपनी बहुत ज़्यादा सी मस्ती कर करके लोग बातें करके पहुँच जाते हैं। और जैसे हमारे अम्मू को पता चलता है क्योंकि इन लोग ने एक जन को ना मतलब प्रीति को ना वॉचमैन गिरी कर रही होती है। जैसे उसको दिखती है शुभ की बाइक तो सबको बताती है अरे 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 लोग आ गए लोग आ गए। इन लोग जो होता है ना तहलका मच जाता है, सब लोग भाग रहे होते, सब लोग जो मतलब इनका जो होता है ना कुछ प्लान किया होता है वो सब समेट रहे होते, सबको निकाल रहे होते कि चलो 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 छुपो छुपो छुपो। इन लोग जो होता है ना गाइस लिफ्ट के साइड में जो होता है ना सीढ़ी अपस्टेयर्स वहाँ पर जाइए छुप जाते हैं। यह हमारी शुभ देखते कि ऊपर से सबको साफ दिख रहा होता है कि यार चलो ठीक है ये लोग दिख रहे नहीं, फिर भी हमारी शुभ जो होते हैं ना मैसेज करते कि हम लोग आने वाले हैं। यहाँ पर हमारे अम्मू बोलते हैं हाँ ठीक है आ जाओ। यहाँ शुभ जो होती है ना मैम घाट को करते लिफ्ट में एंड चल जाते ऊपर में इनकी फ्लोर की तरफ। यहाँ पर हमारी अम्मू जो होते हैं ना मोबाइल चालू कर देते क्योंकि रिकॉर्ड करना था, क्योंकि शुभ ने स्पेशली बोला था कि यार मुझे हर एक चीज़ चाहिए रिकॉर्डिंग। यहाँ पर शुभ जो जैसे लिफ्ट खोलती है वैसे मैम चलती है, इन लोग अपने स्टूडियो की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ मैम बोलते हैं चलो ठीक है चलो आज तो भाई मज़े ही मज़े, क्योंकि बहुत समय के बाद स्पेशली आप मुझे अपना टाइम देने वाले हो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो शुभ बोलते हैं हाँ जी मैं भी बहुत ज़्यादा खुश, एग्ज़ाम के समय पर खाली नहीं रहा, आप भी बिजी थे मैं भी बिजी थी। लोग ऐसी बातें करके पहुँच जाते हैं। देखते कि लाइट जो होती है ना ऑफ होती, तो हमारी मैम बोलती है इसे लाइट्स ऑफ क्यों है। तो हमारी शुभ बोलती शायद वो लोग आइसक्रीम खाने चले गए होंगे इसकी वजह से। यहाँ देखते कि हमारी मैम जो होती है ना अंदर एंटर करती, दरवाज़ा खोलती है, लाइट्स जैसे चालू करती है, तो मतलब कि भाई जब उनकी निगाहें जाती है रूम की तरफ मतलब दरवाज़ा खोल के पूरा देखती है तो पूरा का पूरा रूम सजा हुआ होता है। वहाँ पर बड़ी खूबसूरत तरीके से हमारे अम्मू ने सजाया होता है, उसकी तो मास्टरी होती है। शुभ ने उसको इतना लेवल का बना दिया होता है कि भाई बोलते स्पेशलिस्ट वैसा हो गया होता है हमारी अम्मू। जब हमारी मैम जैसे दरवाज़ा खोलती तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत ज़्यादा सुंदर सब रूम देख रहा है। जैसे शुभ जो होता है उनके पीछे आते तो उनके पीछे मतलब शुभ के पीछे जो वॉल थी वहाँ पर बहुत ही प्यारे अक्षर से लिखा था हैप्पी वन मंथ एनिवर्सरी इनाया भाभी जान। तो हमारे जब मैम शुभ की तरफ टर्न होती तो वो इतना बड़ा लिखा हुआ देखती तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। एंड इन लोग जो होते हैं पीछे से ना बहुत ज़्यादा बलून्स आए बोलते हैं ना ये वगैरह लेके आ रहे होते हैं ना। यहाँ पर भाभी जी को दे रही होती है कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी जान वन मंथ हैप्पी एनिवर्सरी ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं। यहाँ पर बेचारी हमारी मैम को शौक में क्योंकि मैम जो होते हैं ना वो सोच रही होती है कि शायद हमारे शुभ भूल गए होते हैं, लेकिन शुभ उनका क्या पता था उनको कि शुभ को सब कुछ याद था। यहाँ देखते कि हमारे शुभ जो होते वो भी हमारी मैम को विश करती और बोलती क्या लगा आपको हम भूलने वाले में से हैं। यहाँ पर मैम शौक यहाँ पर अम्मू बोलते चलो जी बातें बाद में पहले केक कट करते हैं। यहाँ अम्मू ने बहुत बढ़िया सा केक लाया होता है। यहाँ पर लोग जो होता है ना केक कट करते हैं, हमारी शुभ जो होती है ना मिडल में बैठी होती है, मैम उसके साइड में दोनों पकड़ मतलब कपल्स की तरह केक काट रहे होते हैं। हमारी अम्मू मैम को खिलाती है सॉरी शुभ खिलाती है ऐसे केक वगैरह कट होते हैं, उन लोग एक दूसरे को खिलाते हैं ना बड़ी मज़े से मिलकर ना गपशप मार रहे होते हैं। मैम तो बड़ी शौक होती है, लेकिन असल सरप्राइज तो भाई शुभ के रूम में था, क्योंकि शुभ ने स्पेशली इनको भी पता नहीं था कि यार शुभ ने इनकी खुद के वाली जो रूम है ना जहाँ पर शुभ का ऑफिस था वहाँ पर उसने पर्सनली खुद होके
पर्सनली खुद के हाथों से ना सब कुछ डेकोरेट किया होता है। यहाँ पर मैम को पता नहीं होता, ये हमारे शुभू जो होते हैं ना सबसे छुपा के समझ लो सबको बता दिया होता है कि यार तुम वाले रूम में मत जाना कुछ भी करने के लिए। यहाँ पर हमारी मैम जो होती है बोलते चलो ठीक है फिर और बताओ ये कब किया आपने, तो सबसे पूछ रही होती है ऐसा वैसा। यहाँ देखते कि शुभू जो होते हैं ना मतलब कि मैम है ना उनके साथ बातें करें तो बेचारे शुभू जो होते हैं चुपचाप से चल जाते हैं अपने रूम में, क्योंकि मैम को मतलब शुभू को ना वहाँ पर थोड़ा सा लाइट्स वगैरह जलाना था क्योंकि यार मतलब सरप्राइज़ देना था भाई खुल के सरप्राइज़ देना ऐसा, तो शुभू जो होते हैं ना आधा अधूरा नहीं करना चाहते थे इसलिए बेचारी चुपचाप से मैम से छुप छुपा के चल जाती अपने कैबिन में। और यहाँ पर जैसे जाते ये लोग इसको बोलते परफेक्ट बस कैंडल जलाने के लिए, यहाँ शुभू जो होते हैं ना फटाफट कैंडल जलाती। यहाँ देखते कि यार शुभ के हाथ में तो माचिस ही नहीं होती या फिर लाइटनर ही नहीं होता। शुभ बोलती यार शिट क्या मैं पागल इंसान हूँ, मैंने तो लाइटनर वहीं छोड़ दिया केक कट करते समय। यहाँ शुभ ऐसे जैसे जाती है चुपचाप से अपना लाइटर लेती। यहाँ पर प्रीति जो होते हैं नोट कर लेती कि यार शुभ अंदर कितनी बाहर है उसके हाथ में लाइटर है एंड वो समझ जाती है कुछ तो स्पेशल है। यहाँ पर देखते कि हमारी प्रीति जो होते हैं ना एंटर करने वाली थी लेकिन सोचते यार काय को किसी का खराब करना चलो कोई नहीं। वहाँ बेचारी प्रीति जो होता है ना यू टर्न ले लेती बोलती नहीं यार आज हमारे शुभ का डे है ऐसे बोल के उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं वहाँ पर साखे बैठ जाते हैं। हमसे बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं लोग जो होते हैं ना डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी शुभू बहुत अच्छे से रेडी शेडी होती है, उसने लाइट्स ऑफ कर दी होती है और हमारी जो मतलब होती है ना शुभू प्रीति और हमारे मतलब प्रीति को मैसेज करती है कि यार प्लीज़ ऐसा कुछ करना कि तेरी भाभी ना हम मेरे कैबिन में आ जाए या फिर वॉशरूम के बहाने फोन कर रहा हाँ। यहाँ पर प्रीति बोलती है चल ठीक है भाई सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखते हैं प्रीति जो होती है जानबूझ के केक लेती है और मैम को खिलाने के लिए जा रही होती है और जानबूझ के ना जो केक होते हैं वही गिरा देती है मैम की मतलब ड्रेस पे। तो हमारी प्रीति जो होती है ना वो जानबूझ के केक लेती है, श्रुति को आँख मारती है कि यार प्लान है। यहाँ पर श्रुति जो होती है ना और से केक लेती है और भाभी भाभी करके ना उसके मतलब चिक्स पे ना केक लगाती है जानबूझ के कि थोड़ा सा और मतलब ये हो जाए करके। यहाँ पर अम्मू जो होती है ना गुस्सा कर रही होती है अरे यार अभी पहले तो लगा था और क्यों लगा रही, लेकिन यहाँ पर अम्मू को समझ भी नहीं आता है वो बेचारी तो मैम को सेव कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रीतिश होती तो अच्छे से लगा देते हैं क्योंकि मैम डायरेक्ट उनके ना वॉशरूम में चल जाए। यहाँ देखते कि मैम बोलते अरे यार क्या कर दिया तुम लोगों ने, मैंने अभी तो सब कुछ सेट किया था। तो हमारी प्रीति बोलते अच्छा ठीक है ना आज तो आपकी एनिवर्सरी अब इतना हमारा हक भी नहीं है क्या, तो ऐसा इमोशनली ऐसा कुछ बोल के वो बेचारी बोलते चलो ठीक है बाबा मैं अच्छे से निकाल के आती हूँ। यहाँ बोल के ऐसे ना चल जाती है अपने कैबिन मतलब शुभ के कैबिन में। जैसे जाती है कैबिन में तो दरवाज़ा पहले से है ना खुला होता है और जैसे उनकी निगाहें जाती है कि लाइट्स बंद है तो वो जब देखती है ना पूरा मतलब पूरा माहौल देखते तो भाई साहब पूरा का पूरा रेड एंड वाइट कलर के रोसेस से पूरा भर के हुआ था। एंड बोलते हैं ना मैम की फेवरेट कलर की हर एक चीज़ आइटम होती है वहाँ पर। मैम का जो जहाँ पर चेयर था वो भी पूरा सजा हुआ था, उनका टेबल वहाँ पर तो हर एक चीज़ की बोलते हैं ना मैम को जो चीज़ पसंद है जो चॉकलेट पसंद है हर एक चीज़ की शुभू ने कौन सी भी चीज़ ना छोड़ी नहीं थी। यह शुभू जो होती है ना पीछे से आती है और मैम को हग करती है। शुभू के हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा ना छोटा सा कपकेक होता है जिसमें ना लाइट लिखा मतलब लाइट कैंडल लगा के था और सिर्फ यहाँ पर हमारे शुभू और मैम के ना इनिशियल्स लिखे थे। और मैम ये देख के हैरान परेशान कि क्या शुभू जो होती है ना लाइट्स अभी भी लगाती नहीं है और मैम को अपने तरफ टर्न करते बोलती कैसे लगा मेरा सरप्राइज। तो हमारी मैम बोलती कि आपने किया, तो शुभू बोलती हाँ जी वो वाला रूम तो उन्होंने किया लेकिन ये वाला रूम मैंने किया स्पेशली, तो फिर ये क्रेडिट मेरा बनता है। तो हमारी मैम बोले अच्छा जी ये कब किया फिर आपने, तो शुभू बताते अरे यार अब क्या करें हम है मल्टी टैलेंटेड। तो हमारी मैम बोले अच्छा जी मल्टी टैलेंटेड। और यहाँ शुभू देखते कि हमारी मैम ने तो भाई पूरा फेस उनका भरा हुआ था। यहाँ पर हमारी मैम बोलती चलो जी फिर केक कट करें। शुभू जो होते हैं ना वो बोलते चलो जी, शुभू ने अपनी लाई होती है नाइफ एंड लोग केक कट कर रहे होते हैं, केक कट करते एक दूसरे को खिलाते एक दूसरे को हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं और मैम और शुभू जो होते हैं ना साथ में बैठ जाती है। यहाँ देखते हुए शुभू जो होते हैं लाइट्स ऑफ करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा होता है पूरा रेड एंड वाइट कलर के रोसेस से पूरा रूम बहुत अच्छे से ना महक रहा होता है एंड हर एक जगह पर महक ही महक खुशबू ही खुशबू। ऊपर से मैम जब देखते कि शुभू बहुत ही कलर मतलब बोलते हैं एक अलग सी चमक धमक होती है शुभू के फेस पे स्माइल पे उसकी आँखों में एंड बोलती चलो जी इसे आज खड़े आपने तो स्पेशल बना दिया लेकिन आई एम सॉरी यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शुभ बोलते अरे यार आपने किया मैंने क्या की बात है टेंशन ना लो। या शुभू जो होते हैं बोलते वैसे ये गाल पे आपके किस शैतान ने केक्स लगाया। तो हमारी मैम बोलते अच्छा जैसे आपको पता ही नहीं है ये शायद आपका ही प्लान था ना जानबूझ के मेरे ऊपर ये बरसात करना केक की। शुभ बोले अच्छा ठीक है बाबा सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये आया बोलती चलो ठीक है माफ़ किया आपको आज।
आपने इतना स्पेशल डे तो जो बनाया मेरा, यार देख के शो बोलती, चलो ठीक है फिर ये इतना सारा जो केक लगा हुआ है उसका क्या करें। तो हमारी मैम बोलती कोई नहीं, मैं वॉशरूम में जाके है ना साफ करके आती हूँ। तो हमारी शो बोलती अरे रुको रुको रुको, मेरे पास है ना ऑप्शन, टेंशन ना लो। तो शुभू जो होता है ना अपना हैंकी निकाल तो उनके फेस पर ना अच्छे से ही कर रही होती, क्योंकि शुभू चाह नहीं रही होती कि यार मैम मैम के साथ ना कुछ ऐसा वैसा करेगी जिससे मैम को हर्ट हो, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कुछ किया था ना, उसको लग रहा होता कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टेप उठा लिया। किस भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बेचारी चुपचाप से ना वो अपना फेस मतलब मैम का फेस रब करती है और बोलती चलो जी आपको दिखाते हैं एक और सरप्राइज़। यार देखते शुभू जो होते हैं जब अपने रूम में जाते हैं ना तो उसने एक स्पेशली कॉर्नर में पूरे गिफ्ट्स रखे होते हैं वो भी छुपा के, जैसे मैम को लेके जाते तो भाई साहब वहाँ इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं, 10 से 15 सिर्फ गिफ्ट्स होते हैं। और वहाँ पर हर एक जगह पर ना मतलब कि मैम को समझ में आ रहा था कि यार ये क्या ही है, हर एक जगह पर मतलब कि शुभू ने छुपा के रखे होते हैं। कुछ जगह तो पूरे ऑटोमेटिकली दिख रहे थे लेकिन कुछ कुछ जगह पर शुभू ने छुपा के रखे थे जानबूझ के कि किसी को पता ना चले। यहाँ देखते हैं कि मैम जो है हर एक जगह पर ढूंढ रही होती कहाँ कहाँ छुपा, शुभू वाले चलो जी आपको पता तो चल गया। एक जगह उनको 20 मिलते गिफ्ट और बाकी जगह में ऐसे 7 से 8 गिफ्ट मिलते। तो हमारी मैम बोलती पागल हो गए इतने सारे गिफ्ट्स का मैं क्या करूँ, ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी ज़िंदगी के एक ही साथ मुझे तोहफा दिया। तो शुभ बोलते अरे नहीं बाबा ये एक ही दिन के टाइम के हैं गिफ्ट, हाँ और जब जब हमारी एनिवर्सरी आएंगे तो इससे डबल हो जाएंगे। तो हमारी मैम बोलते प्रॉमिस करो एक ही गिफ्ट करो, ये क्या है पैसों का नाश करा दो गया। तो शुभ बोलते अरे यार आप पे नहीं करोगे तो किस पे करोगे। तो शुभ बोलते मैम को तो ही नया बोलते अरे यार ऐसा तो ना होता है, ये क्या है पैसों का फिजूल खर्च करना, नहीं 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 गलत बात है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं लेना गिफ्ट। तो शुभ बोलते अच्छा ठीक है बस सॉरी, हाथ पकड़ के कान पकड़ के सब सॉरी अभी ले लिया तो प्लीज़ ले लो अगली बार मैंने नहीं देना। तो मैम बोलती नहीं नहीं अगली बार देना है लेकिन सिर्फ एक ही देना है। तो वो स्माइल करती बोलती अच्छा जी मतलब अगली बार भी चाहिए मैडम को। मैम बोलती हाँ जी क्यों ना चाहिए, एनिवर्सरी मेरी है हक है मेरा। तो शुभ बोलती अच्छा जी हक है आपका, तो अभी इतने सारे तो दे रहे आपको, इतने सारे नहीं चाहिए एक ही चाहिए क्या बात होगी। तो मैम बोलती हाँ बस एक चाहिए, क्या है इतना सारा पैसे का नाश करना है आपने है ना, अच्छा करियर पर सेट करो उसको, इधर उधर लगाओ आगे चल के कुछ काम में आ जाएगा। तो शुभ जो अच्छा ठीक है बाबा मेरी गलती आई एम सॉरी ओके। ऐसे इन लोग जब बैठे ही होते काउच पे तो ऐसे हमारे अम्मू की इतनी सारी मतलब बोलते ना मतलब मारपीट की आवाज़ आ रही होती, झगड़ों की आवाज़ आ रही होती। हरीश अम्मू को बिल्कुल भी सुकून नहीं यार, मेरी आज इतनी स्पेशल डे लेकिन नहीं इसको झगड़ा ही करना, ऐसे बोल के बाहर निकल जाते। एंड जो होता है ना बलून्स, वहाँ पर जितने सारे बलून्स होते हैं उससे बलून्स से ना हमारी अम्मू को मार रही होती, क्या है यार मेरा पूरा डे स्पॉइल करेंगे क्यों चिल्ला रही है। तो हमारी अम्मू बताती यार देख रहे इसने मुझे बिन फिजूल में इतना सारा केक लगा दिया इसकी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे बोल के ना प्रीति कभी इसके पीछे भाग रही होती कभी हमारी अम्मू उसके पीछे भाग रही होती। तो हमारी शुभ बोलती यार तुम लोग तीनों के तीनों मेरे रूम से गेट आउट हो जाओ, ऐसा बोल के इनको बाहर निकाल देती। तो हमारी शुभ बाहर निकाल रही अम्मू बोलती अरे यार माफ़ कर दे भाई मेरी क्या गलती इसकी गलती। तो हमारी प्रीति है ना एक मिनट को ब्लेम कर रहे थे, यहाँ पर देखते कि हमारी इनाया बीच में जाती है अच्छा ठीक है बाबा कोई नहीं चला आ जाओ, ऐसे बोल के इनको वापस ले लेते। शुभ बोलती अरे यार इनको मत लो ये और आफत की पुड़िया है, इन लोग अंदर आ गए ना हमारा पूरा स्पॉइल करके रख देंगे, ऐसा बोल के ना हमारी गुस्से में हमारे शुभ होते हैं वही रुक जाते हैं गैलरी में। यहाँ पर देखते हैं कि हमारी प्रीति जो होते हैं ना बोले अच्छा ठीक है बाबा सॉरी थे और देखो नहीं स्पॉइल करेंगे ओके चुपचाप एक जगह बैठ करेंगे शांति ओके, ऐसे बोल के लोग अंदर चल जाते हैं। यहाँ बेचारी हमारी शुभ जो होते हैं ना वो बेचारी अकेली बोलती यार इन गधों को अभी मेरी जगह मिली थी। यहाँ देखते हैं कि हमारी जो इनाया जो होते हैं बेचारी अम्मू को लेके जाती है, उसका पूरा जो होता है ना फेस पे पूरे बाल पे ना उसने केक लगा दिया, तो इसकी वजह से हमारी अम्मू बहुत ज़्यादा चिढ़ गई होती है ना, उसका गुस्सा भी जायज़ था। यहाँ हमारी प्रीति उसको सॉरी बोलते हैं लेकिन बोलते अम्मू अब क्या फ़ायदा है यार सत्यानाश कर दिया तूने मेरे होलिया का, ऐसे बोल के बेचारी का ना अम्मू जो होते हैं वॉशरूम में होते हैं रो रही होती है, मतलब होता है ना थोड़ा सा गुस्से में मजाक में हमारी प्रीति ने कर तो दिया होता लेकिन बेचारी हम उनको भुगतना पड़ रहा होता। यहाँ सब लोग वॉशरूम में चल जाते हैं, जब हमारी शुभ देखते हैं कि भाई साहब पूरा खाली सब वॉशरूम में घुस गया तो हमारी शुभ चिल्लाती क्या हो रहा है यार सब वॉशरूम में चले गए यार कोई तो आ जाओ इधर में। तुम्हारी इनाया बोलती क्या हो गया, हमारी अम्मू रो रही है इसकी वजह से, बोलती यार वो नाटक कर रही है यार तुम सब चले गए या मैंने इतना सारा डेकोरेशन किया ये इतना सारा मस्ती करनी बिन कट का डे स्पॉइल कर दिया। तो हमारी अम्मू बोलती चल ठीक है बाबा माफ़ कर अब ठीक है अब हो गई ना मैं ठीक चल क्या करना है तुझे बता। यहाँ शुभ बोलते अब क्या करना था यार अच्छा बस हमारा चालू था। तो हमारी मैम बोलती क्या चालू था बेटा, तो हमारी अम्मू बोलती बस क्या बोलना चाह रही है तुम। तो शुभ बोलते नहीं वो मैं सोच रही थी कि यार गेम खेलना स्टार्ट करें ना। तो हमारी प्रीति ने ना उसको आँख मारती अच्छा जी
तो हमारे यहाँ ऋषि बोले चल ठीक है ना गेम स्टार्ट कर, ऐसे बोल के ना इन लोग जो होते हैं ना अंताक्षरी खेल रहे होते हैं। यहाँ बेचारी हमारे शुभ के ऊपर तो कुछ आ ही नहीं रहा होता है, तो हमारे शुभ थक गए होते नहीं यार क्या ही हो गया मेरी ज़िंदगी जन क्यों हो गई। हमारी श्रुति बोले अरे कोई बात नहीं होता होता है कोई बात नहीं। यहाँ देखते कि हमारी अम्मू जो होते ना वही गा रही होती है, बोलती यार ये तुम हमें भी देंगे या फिर खुद ही गाएंगे। तो हमारे अम्मू क्या है यार एक दिन अच्छा गाने का मूड हुआ तो गाने में दे रही, तो हमारे शुभ बोले चल ठीक है अब गा दूँगा। यहाँ देखते कि हमारे शुभ का मूड खराब खराब हो रहा होता है, हमारे मैम जो मतलब इनाय होते हैं ना वो नोट कर लेते कि यार इनका मूड तो और ज़्यादा खराब हो रहा होता है। यहाँ बेचारी शुभ जो होते ना इरीटेट होके ना मतलब अपना फ़ोन लेके बाहर चल जाती, क्या यार मतलब उसको ऐसा हो रहा था काश हम दोनों अकेले होते, लेकिन अपने फ्रेंड्स को भी मना नहीं कर पा रही होती और कहीं ना कहीं उनको मैम के साथ बोलते ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। यहाँ बेचारी मैम आती है उनके रूम मतलब मतलब अपनी जगह पर जहाँ पर शुभ होते हैं वो गैलरी के बहुत ज़्यादा मतलब होता ना एकदम कॉर्नर पे होते हैं, मैम उसका हाथ पकड़ती है बोलती क्या हो गया इतना क्यों गुस्सा हो, अब आपकी फ्रेंड्स है ना आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, सब कुछ आप छोड़ छाड़ के खुद का सब कुछ आपके प्लानिंग में आपके इसमें आपके हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं और आप इतना गुस्सा कर रहे हो अच्छी बात है क्या, कैसा लगेगा उनको कितना हर्ट होगा जब उनको पता चलेगा आप उनके दिलों को कितना ज़्यादा हर्ट कर रहे हो आपको पता है। तो उस बात में हमारी शुभ बोलते हाँ यार उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैंने एक उसी बात पर इतना सुना दिया, उसको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि बोलती है चलो जी अब जाते हैं माफ़ी मांगते, वो जाती है सबसे सॉरी बोलती है और सबको थैंक यू बोलती है यार थैंक यू सो मच तुम नहीं होते तो मेरा क्या ही होता। तो वो बोलती हाँ यार वो तो तुम मानती है ना हम लोग नहीं होते तेरा कुछ नहीं हो सकता था, तो बोलती हाँ यार तो मेरी तो सब कुछ है यार तो भाई सब कुछ है ऐसे बोल के उसको हक करती है। यहाँ देखते कुछ समय के बाद में हमारे हम बोलते चलो यार भूख लग रही कुछ खा, तो बोलती यार तुझे अभी तो खाया था तूने, तो अम्मू बोलती है हाँ यार अभी खाया था लेकिन अभी और भूख लग रही है मुझे, तो शुभ बोलती चल ठीक है एक काम कर तुम लोग बाहर जाओ कुछ खाने का लेके आ जाओ। तो शुभ बोलती है हमारे अम्मू को कुछ पैसे देती हो इनको दफा करते बोले गेट आउट आना नहीं तीन चार घंटे में, तो हमारी शुभ जो होती है बोलते हाँ तो कंटिन्यू रहते हम लोग नहीं आएंगे कॉल करके आएंगे, तो शुभ बोलती है चल ठीक है बाय ऐसे बोल के बेचारी शुभ इनको बाय बाय बोलती है। हमारी मैम बोली कहाँ गए बोले, तो शुभ बोलती नहीं वो कुछ भूख लगी थी इसलिए मैंने उनको पैसे दे दिए खाना खा रही थी। तो हमारी शुभ बोले अरे यार चलो आप मत सोचो उनके बारे में इतना। यहाँ पर मैम और शुभ जो होते हैं ना अकेले होते, यहाँ देखते कि हमारे शुभ जो होते हैं मैम के एकदम मतलब इनाया मैम के साथ इनाया मैम के एकदम साइड में बैठी हुई होती, बोलती कैसे लग रहा है वैसे आपको बताओ, तो वो हमारी इनाया बोलती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच बोलो आपके फ्रेंड्स पर आप बेस्ट हो, तो हमारे शुभ बोलते हाँ जी वो तो बेस्ट है। यहाँ देखते मैम और शुभ जो होते हैं ना आपस में बहुत मतलब ऐसे डिस्कस कर रहे होते बातें कर रहे होते हैं दुनिया जहाँ की सारी सारी होती है ना चीज़ें आ जाती है जब अपने अपने लव वन के साथ बात कर रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ की बात खास शुरुआत हो रही होती है लेकिन हो रही होती है इनके बीच में जो होते हैं ना एक बोलते हैं ना एक अलग ही लेवल का ठहराव एंड बोलते हैं ना रिश्ते में होता है क्या जिस इंसान से आप खुल के बात कर सकते हो यार उससे पूरी ज़िंदगी बाद आप बात कर सकते हो ऐसे इन दोनों के बीच में था। यहाँ देखते कि हमारी शुभ की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी और बेचारी कहीं ना कहीं इनाया भी सोचती कि यार इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया एंड बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही, तो हमारी जो इनाया उसी समय पर ना एक फ्लावर उठाती है एंड दरवाज़ा लगा देती है एंड एकदम शुभ जो होती है ना कवच पर बैठी होती है। मैम आती है मैम ने आज बहुत प्यारी कलर की साड़ी पहनी होती है, मैम आती है फ्लावर लेती है नील डाउन होती है और शुभ की तरफ ना बढ़ाती है फ्लावर। यहाँ शुभ हैरान परेशान की अचानक से क्या हो गया, यहाँ शुभ शॉक के फेस में थी, यहाँ मैम बोलती क्या हो गया जल्दी से ले लो मेरा नींद उग रहा है, तो यहाँ बेचारी शुभ जो होती है ना फ्लावर ले लेती और बोलती है चलो उठो, यहाँ मैम और शुभ उठ जाते हैं और हमारी मैम जो होती है बोलते वैसे सच कहो तो आई एम सॉरी मैंने इतनी स्पेशल डे पे आपके लिए कुछ भी नहीं किया, तो हमारी शुभ बोलती अरे बाबा प्लीज़ ये बात को मत दोहराओ अगली बार आप कर देना ओके, तो मैम बोलती हाँ जी स्पेशली मैंने करना है अभी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ देखते कि हमारी मैम जो होते हैं शुभ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर लोग जो होते हैं बहुत सारे ऐसे बलून्स होते हैं गाइस नीचे में फैला के होते हैं, तो मैम लेती है बलून्स को ऊपर में टैप कर रही होती है बलून्स ऊपर जा रहा होता है, इन लोग एक और बार मार रहे होते हैं बलून्स ऊपर जा रहा होता है, शुभ और मैम जो होते हैं ऐसी मस्ती कर रहे होते हैं, मैम की हाइट छोटी होती है शुभ से इसलिए जो जैसे बलून आता था शुभ उसको ऊपर कर लेती है और मैम को बेचारे को मौका ही नहीं मिलता। यहाँ देखते कि मैम जो होते हैं गाइस बड़ी मतलब जद्दोजहद कर रही होती है कि बलून्स को टच कर रही लेकिन बेचारी शुभ तो कर ही नहीं दे रही होती, यहाँ बेचारी तंग आ गई होती है हमारी मैम इनाया मैम।
टच करने जा रही होती, बेचारी शुभ के ऊपर चिपक रही होती, क्योंकि बोलते हैं ना बलून ऊपर जा रहा होता, मैम का ध्यान ऊपर जा रहा होता, या शुभ अपने हाथों से ऊपर कर रही होती है। हाँ बेचारी शुभ कैसी हरकत से ना, बेचारी हमारे इनाया मैम खफा हो जाती है, क्या है अब मैं बताती हूँ उनको, ऐसे बोल के ना वो ऊपर जाते हैं, लेकिन बेचारी का हाथ ही नहीं पहुँच जाता, तो बेचारी शुभ जो होता है उनको गोद में उठाती है और ऊपर वाले बलून्स को ना उनके हाथों से टैप करवाती है, तो हमारी मैम भी हंसती है, बोलते थैंक यू सो मच। पता है जब से मैं चाह रही थी कि मैं इसको टैप करूँ, लेकिन आप बहुत, तो हमारे शुभ बोलते चलो जी, ऐसे बोल के बेचारी हमारी शुभ जो होते ना उनका कमर में मतलब हाथ डाल के उनको अच्छे से ही करती है, चलो अभी आप ही करना, ऐसे बोल के हमारी मैम जो होते हैं बच्चों वाली हरकत कर रही होती है, बच्चों की तरह कर रही होती है, बलून ऊपर जा रहे होते हैं, मैम को भी अच्छा लग रहा होता है बच्चों के साथ, मतलब बच्चा बन गई होती है मैम। कुछ समय के बाद हमारे शुभ बोलते चल रही अभी हो गया नीचे उतारो आपको, तो मैम बोलती हाँ जी प्लीज़ उतारो, यहाँ देखते हैं हमारे शुभ उतारती है उनको, शुभ ने स्पेशल एक रिंग लाई होती मैम की जो कि होती कपल्स की रिंग, वैसे हमारी मतलब शुभ अपने कैबिन में जाती है वो रिंग उठाती है, मैम जो होती है अपने बलून्स के साथ ऐसी खेल रही होती है काउच पे बैठ के, शुभ जो होते हैं ना सॉन्ग लगाती है, लाइट्स को ऑफ करती है, जैसे लाइट्स को ऑफ करती है ना वैसे पूरा लाइटिंग्स मतलब जो होते हैं कलरफुल वाले वो चालू हो जाते हैं, मैम शौक की लाइट्स कैसे गई, जैसे देखते तो भाई शुभ आ रही होती है एंड उसके हाथों में कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसे हाथ छुपा के होता है और एक हाथ में फ्लावर होता है और दूसरे हाथ में ये बलून्स का पूरा सेट होता है। हमारे शुभ नीचे नील डाउन होते हैं, जैसे मैम नील डाउन हो जाते यहाँ मैम उसको देख रही होती है कि क्या हो गया, बेचारी शुभ जो होते हैं ना बलून्स देती है एक हाथ से दूसरे हाथ से फ्लावर देते एंड नीचे में उसने ना चुपचाप से रिंग का जो होता है ना सेट सॉरी रिंग का डब्बा वो नीचे छुपा लिया होता है, जैसे मैम जो होते हैं बलून्स लेती एंड बलून्स के साथ खेल रहे होते हैं। हमारी मैम जब ध्यान जाता शुभ की तरफ तो भाई शुभ बड़ी प्यार से वो रिंग को खोल दिया एंड मैम की तरफ टर्न कर दिया, तो हमारी मैम इतना ज़्यादा ब्लश कर रही होती कि भाई साहब, शुभ बोलते मैं आए, तो हमारी मैम बोलती हाँ जी हाँ जी, सुनने के बाद हमारी शुभ का तो दिल पिघल जाता है, शुभ निकालती है एक रिंग एंड मैम को पहनाती है, यहाँ देखते कि मैम भी खड़ी हो जाती है एंड शुभ उनके तरफ वो जो होता है ना बॉक्स का से करते कि प्लीज़ अब मुझे भी पहना दो, तो हम बेचारी हमारी मैम बोलते अच्छा जी, तो हमारे शुभ जो होते हैं ना उनको बॉक्स देते हैं, शुभ के हाथ से बॉक्स लेती है मैम और बोलती मैं आए, तो शुभ बोलती हाँ जी प्लीज़ आपको जल्दी 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 बना दो, तो हमारी मैम बोलती चलो जी बना देते आपको, अभी आप क्या ही समझोगे, हम तो सुनो रिंग पहन तो साथ में बैठ जाते हैं काउच पर, शुभ जो होते हैं ना लाइट्स ऑफ करते हैं, लाइट्स ऑफ करती है गाइस, मतलब जो लाइट्स चालू थे ना लाइटिंग वाली वो भी लाइट्स ऑफ करती है, मैम बोलती क्या कर रहे हो, वो तो चालू करना था, तो हमारी मैम बेचारी ऐसी बोल के खामोश हो जाती है, मैम को डर लग रहा होता है कि क्या हो गया लाइट्स ऑफ कर दी इन्होंने, यार शुभ का कुछ और प्लान था, यार देखते हैं हमारी मैम जो होती है ना समझ नहीं आ रहा होता, उन्होंने अभी भी शुभ का हाथ पकड़ा होता क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया था, एंड सच कहो ना गाइस अंधेरे में अगर एक भी लाइट नहीं दिखी ना तो सच कहो ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वही हालत हमारी मैम की होती है, शुभ देखती है मैम के हाथों को और ज़्यादा करीब करती है एकदम कस के पकड़ती है, तो मैम को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होने वाला है।